जय श्री राम दोस्तों, अब कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार लगभग 500 वर्षों से किया जा रहा था, एक ऐसा दिन जिसके लिए कई पीढ़ियों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों आप इमेजिन करके देखिए कि 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो राम मंदिर का निर्माण होता हुआ देखें। 16वीं शताब्दी ही नहीं बल्कि 20वीं शताब्दी तक ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो राम मंदिर को देखे। आज से लगभग 150 साल पहले अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए कई लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी राम मंदिर केस के लिए अदालत में ही व्यतीत कर दी। आज भले ही वो सब हमारे बीच मौजूद नहीं है, वही एक आप और हम है जो इस जीवन काल में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखने वाले हैं। दरअसल दोस्तों साल 1528 में मुगल शासक बाबर ने राम मंदिर को गिरा दिया था और उसके जगह मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया था। लेकिन साल 1528 से आज तक राम मंदिर के निर्माण के लिए कितना संघर्ष लगा है, इसे आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवत्स्वान के बेटे वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस स्थान पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म राजा दशरथ जी के महल में हुआ था। प्रभु श्री राम के काल में अयोध्या काफी सुंदर थी। यह इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कहा जाता है कि श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या काफी बिखर सी गई थी, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में महल वैसा का वैसा ही था। इसे अगली पीढ़ी में उनके पुत्र कुश ने पुनर्निर्माण भी करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की 44 पीढ़ियों ने अयोध्या में राज किया। आखिरी राजा महाराजा बृहद्बल ने भी यही शासन किया। इस आखिरी शासक महाराजा बृहद्बल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। कहा जाता है कि कौशल शासक महाराजा बृहद्बल की मृत्यु के बाद ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते हुए अयोध्या पहुंच गए। थके होने के कारण राजा अपनी सेना के साथ सरयू नदी के किनारे पेड़ के नीचे आराम करने लगे। घने जंगल में कोई बसावट भी नहीं थी। कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य को वहां जमीन पर कुछ चमत्कार सा दिखाई दिया। तब उन्होंने इसके बारे में जानने का प्रयास किया और उन्हें वहां के योगी व संतों से पता चला कि अवध में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। उन संतों की बात मानकर राजा विक्रमादित्य ने पुनः उस मंदिर और कुआं को बनवाया, क्योंकि राजा कुश के बनवाए जाने के बाद ये जर्जर सा हो गया था। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर बड़े मंदिर का निर्माण कराया था, जो बहुत खूबसूरत था। विक्रमादित्य के बाद कई हिंदू राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख भी की थी। 11वीं शताब्दी में कन्नौज का राजा जयचंद ने भी इसमें सुधार कराया और विक्रमादित्य का नेम प्लेट हटाकर अपना नाम लगवा दिया। इसके बाद भारत में मुगलों का शासन बढ़ने लगा। मुगल आक्रमणकारियों ने वाराणसी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और मंदिर में भी मूर्ति व धन का चोरी कर लिया। उन्होंने पूरे देश में मंदिरों को उजाड़ा और मूर्तियों को तोड़ दिया। तब भी 14 सेंचुरी तक राम मंदिर विराजमान था। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के शासन के दौरान भी अयोध्या में राम मंदिर मौजूद थी। भारत में 14 सेंचुरी तक मुगलों का शासन पूरी तरह से बढ़ गया था और उन्होंने राम मंदिर तोड़ने के लिए कई अभियान भी चला दिए थे। 21 अप्रैल 1526 के दिन बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है। यह युद्ध काफी लंबे समय तक चलता है। इसी दौरान साल 1528 में बाबर की सेना अयोध्या में पहुंच जाती है, जहां बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़वा दिया और उसके स्थान पर मस्जिद बनवा दिया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया।
तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी थी जिसमें हमारे राम मंदिर को बाबर ने तोड़वा दिया और अपना मस्जिद बनवा दिया। अब आगे की स्टोरी में जानेंगे कि राम मंदिर को पुनः निर्माण करवाने के लिए कितने लोगों की कुर्बानी और संघर्ष लग गए और इसमें कितना ज़्यादा समय लग गया। मस्जिद निर्माण के बाद 150 साल बीत जाते हैं लेकिन कोई हलचल नहीं होती है। ये वो दौर था जब भारत में मुगल शासक की जड़ें काफी ज्यादा मजबूत थी। फिर साल 1717 में मतलब बाबरी मस्जिद निर्माण के 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह के क्या आस्था व मान्यताएं हैं। उस समय तो राजा जय सिंह का मुगल शासकों से संबंध भी काफी अच्छा था, पर फिर भी उनकी कोशिश नाकाम रहती है। मगर राजा जय सिंह मस्जिद के पास ही श्री राम चबूतरा बनवा देते हैं जिसमें हिंदू वहां पूजा कर पाए। ये वो वक्त था जब मुस्लिम अंदर नमाज पढ़ा करते थे और हिंदू बाहर चबूतरे में भजन कीर्तन या पूजा करते थे। साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठन के द्वारा ये दावा किया गया कि 1528 में बाबर के द्वारा मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया गया था। इवन फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू राम मंदिर के कलाकृतियों के मिलने का जिक्र भी अपने रिपोर्ट में किया था। इसके बाद साल 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी ज्यादा हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ भजन कीर्तन भी होने लगे। साल 1853 से 1859 में इस टॉपिक पर हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगा हो जाता है, कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। इन दंगों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार बीच में आती है और वे यही कहते हैं कि इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, अंदर का हिस्सा मुस्लिम यूज कर लेंगे और बाहर का हिस्सा हिंदू यूज कर लेंगे, और इतनी एडवाइस देकर उस एरिया को चारों तरफ से घेर देते हैं। इसके बाद साल 1885 में पहली बार ये मामला निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबीर दास के द्वारा अदालत ले जाया गया। महंत रघुबीर दास जी की कोर्ट से मांग ये थी कि राम चबूतरे में छत का निर्माण किया जाए, लेकिन उनके इस मांग को ठुकरा दिया गया। इस मांग से पता चलता है कि अदालत में राम मंदिर के लिए लड़ाई कब से चल रही है। इसके बाद साल 1934 में फिर से दंगे होते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है जिसे बाद में रिपेयर करा दिया जाता है, लेकिन वहां नमाज होना बंद हो जाता है। दोस्तों ये वो समय था जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी और न ही कांग्रेस एजेंडा में राम मंदिर का कहीं पे भी जिक्र था, न ही कोई धर्म संगठन इतना मजबूत था। लेकिन ये आम लोगों की श्री राम जी के प्रति आस्था ही थी जो मस्जिद निर्माण के 400 साल बाद भी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उस समय ना तो कोई सोशल मीडिया था, न ही खुद देश की सरकार थी, न ही कोई धार्मिक संगठन। फिर भी ये अच्छी बात थी कि लोगों में उस समय प्रभु श्री राम के प्रति इतनी जागरूकता थी और अभी भी है। इतने कुछ संसाधन ना होने के बावजूद भी लोगों में श्री राम जी के प्रति इतनी आस्था सोचने लायक बात है। अब देखते हैं कि भारत की आजादी के बाद क्या हुआ। 23 दिसंबर 1949 को विवादित एरिया में घंटियों की आवाज आने लगी। पता लगता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि अचानक रात में श्री राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई, जबकि मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में रखवाया गया है। इस घटना की जानकारी के बाद काफी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे। मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि ये बात उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू तक पहुंच जाती है। नेहरू उस समय अयोध्या के जिलाधीश के नायर को ये आदेश देते हैं कि लोगों की भीड़ और मूर्ति को हटाकर स्थिति को पहले जैसे करा दे। पर रिप्लाई में के नायर जी कहते हैं कि यहाँ माहौल इतना गर्म है कि अगर मूर्ति को हटाई जाए तो भीड़ बेकाबू हो जाएगी। 27 दिसंबर को नेहरू फिर से सेम चिट्ठी कलेक्टर के नायर के पास पहुंचाते हैं, लेकिन इस बार के नायर जी रिप्लाई में अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने के बजाय वहां जालीनुमा गेट लगा दे। ये आइडिया नेहरू को पसंद आता है और उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर भारत सरकार उस समय के सिचुएशन कंट्रोल के लिए उस पूरे एरिया को बंद कर देती है। ना ही हिंदू प्रवेश कर सकते थे और ना ही मुस्लिम। इस सरकारी प्रतिबंध को हटाने के लिए बहुत सारी सिविल केस दर्ज किए जाते हैं। जैसे साल 1950 में महंत रामचंद्र दास हिंदुओं के पूजा करने के जगह
सत्याग्रह के लिए केस फाइल करते हैं। सन 1959 में निर्मोही अखाड़ा केस फाइल करती है कि इस पूरे एरिया का अधिकार हमें मिल जाना चाहिए, और इसके दो साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड केस फाइल करती है कि बाबरी मस्जिद का मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कोर्ट में ही सारे डिस्कशन तो नहीं किए जा सकते थे, इसलिए कोर्ट के बाहर अलग अलग धर्म संगठनों की क्या तैयारी चल रही थी। जैसे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। अच्छा हाँ, इस समय तक सरकारी प्रतिबंध के लिए जो केस फाइल दर्ज किए गए थे उनके रिजल्ट भी आने लग गए थे। इसी में साल 1986 में फैजाबाद कोर्ट से ये रिजल्ट आया कि हिंदुओं को उस एरिया में पूजा करने के लिए परमिशन दे दी गई है। इससे मुस्लिम लोग नाराज हो जाते हैं और अपनी एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम देते हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। इसके बाद साल 1989 में एक और केस फाइल किया गया रामलला विराजमान के नाम से। इन्हें भी उस एरिया में अपना मालिकाना हक चाहिए था। धीरे धीरे ये सिचुएशन बहुत गर्म हो गई थी। साल 1990 में मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश तक रथ यात्रा निकालते हैं, जिसका बहुत खतरनाक रिजल्ट होता है। सिचुएशन और खराब हो जाती है और ज्यादा दंगे होने लगते हैं। आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सीनियर लीडर थे, तो उनके जेल जाने के विरोध में उस समय जो वीपी सिंह की सरकार थी उससे बीजेपी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है। सन 1991 में सिचुएशन को गर्माता देख और मामलों को सुलझाने के लिए ब्रिटिशर्स की तरह यूपी के कल्याण सिंह सरकार ने आकर उस जमीन को अपने कंट्रोल में ले लिया। 6 दिसंबर 1992 को हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया और अस्थायी रूप से राम मंदिर का निर्माण करा दिया। इस इंसिडेंट के बाद भारत में काफी दंगे हुए थे, तो 16 दिसंबर 1992 को मस्जिद के तोड़फोड़ सिलसिले में जिम्मेदारी किसकी थी ये जांच कराने के लिए लिब्राहन कमेटी अपॉइंट की गई। उस समय सेंटर में पी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी। इनका प्रस्ताव था कि अयोध्या की इस विवादित जमीन पर एक राम मंदिर, एक मस्जिद, एक पुस्तकालय और एक म्यूजियम की सुविधाएं प्रदान की जाए। इस प्रस्ताव का बीजेपी ने पूरा विरोध किया, और साल 2002 में जब बीजेपी सरकार सेंटर आती है तो अटल जी का कहना था कि हिंदू व मुस्लिम कमेटी आपस में समझौता करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज कोर्ट में तो ये मामला पता नहीं कब तक चलेगा। अटल जी का मेन मोटिव रिसोल्यूशन लाना था, जिसे अयोध्या विभाग का नाम दिया गया। अप्रैल 2002 में अलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की जांच के लिए एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी सौंपते हैं ताकि कोर्ट में जल्दी से रिपोर्ट जमा किया जा सके। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार भी यही बताया गया कि 15 सेंचुरी तक यहां राम मंदिर था और 1528 से यहां पे एक मस्जिद था, और लोकल लोगों के अनुसार ये माने तो राम मंदिर को तोड़वा कर ही बाबर ने यहाँ मस्जिद बनवा दिया था। इन सभी रिपोर्ट्स के मुताबिक अलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच में 30 सितंबर 2010 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने इस पूरे विवादित एरिया को तीन भागों में डिवाइड किया, जिसमें राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा गया रामलला विराजमान को, सीता रसोई भंडारा और राम चबूतरा वाला हिस्सा गया निर्मोही अखाड़ा को, और बचा हुआ तीसरा हिस्सा गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। अलाहाबाद कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को रोक लगा दी। फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कोर्ट के बाहर इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दी। दिसंबर 2017 तक अलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में टोटल 32 अपील्स पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई जनवरी 2019 से शुरू होगी। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद की कोर्ट द्वारा रेगुलेटेड मेडिएशन पैनल के थ्रू सेटल करने को कहती है, और मई 2019 में मेडिएशन पैनल कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा करती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से 14 अक्टूबर तक इसकी सुनवाई चलती है। इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व कर लेती है, लेकिन वह पार्टियों को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जमा करने को बोलती है। यहां मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का मतलब होता है कि जो पार्टी ने कोर्ट से जिस चीज का मांग किया है, अगर कोर्ट उसे उस चीज को डिलीवर नहीं कर पाती है तो उसके बदले और क्या चाहिए ये जमा करने बोलती है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको तीन पार्टीज के नाम गिनाए हैं, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड। आइए अब इनकी डिमांड्स को जान लेते हैं। निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुशील कुमार जैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे राजीव धवन, और रामलला विराजमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे सीएस वैद्यनाथन। एक एक करके ये जानेंगे कि इन तीनों पार्टीज के मेन इश्यूज और रिस्पॉन्सेस क्या क्या थे।
निर्मोही अखाड़ा का कहना था कि साल 1934 से जो अंदर वाला हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए, पर इसके लिए उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे जो ये बता सके कि अंदर के एरिया में सिर्फ उनका हक हो। सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हुए राजीव धवन ने ये बताया कि 6 दिसंबर 1992 को उस स्थान पर मस्जिद था और बस यही फैक्ट को कंसीडर किया जाना चाहिए। इसने कहा कि 23 दिसंबर 1949 को आधी रात मस्जिद में श्री राम की मूर्ति रख दी गई थी जो इलीगल एक्ट था। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था कि राम चबूतरा ही श्री राम का जन्म स्थान है और हिंदू वहां पूजा करते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर का हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही मिलना चाहिए। अब रामलला विराजमान को रिप्रेजेंट करते हुए सीएस वैद्यनाथन ने यह कहा कि इस जगह पर शुरू से ही राम मंदिर थी जिसे बाबर ने 1528 में तोड़कर मस्जिद बनवा दिया और 1949 में जब से अंदर श्री राम जी की मूर्ति मिली है तब से इस पर हमारा हक है और वहां मुस्लिम का या सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई भी अधिकार नहीं है। सारी पार्टीज की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कही सुनी बातों पर बेस्ड या एएसआई की रिपोर्ट पर ही बेस्ड इस जमीन का मालिकाना हक किसी को नहीं दिया जा सकता है। जमीन का मालिकाना हक लीगल प्रिंसिपल पर बेस्ड और सही एविडेंस के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। अलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस पूरे एरिया को 3 भागों में डिवाइड कर देना एक अनस्टेबल निर्णय था क्योंकि ऐसी डिमांड किसी भी पार्टीज ने नहीं की थी। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के 142वें आर्टिकल के अनुसार अपने पावर का यूज करते हुए जो भी गलतियां हुई है उसे सुधारते हुए फाइनल फैसला देती है कि बाबरी मस्जिद वाला मतलब जहां एक्चुअल राम जन्मभूमि है ये पूरा 2.77 एकड़ का एरिया रामलला विराजमान को जाएगा और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के थ्रू सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की कहीं भी जमीन दी जाएगी और दोनों पक्षों को अलॉटेड लैंड एक ही दिन साथ में दिया जाएगा। और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से हिंदू के लिए ये सुनहरा फैसला सामने आता है कि राम जन्म भूमि की विवादित जमीन रामलला विराजमान को दे दी गई है और 5 अगस्त 2020 के दिन राम जन्म भूमि की भूमि पूजन की जाती है और यहाँ से राम मंदिर निर्माण की कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए जाते हैं। दोस्तों साल 1528 में राम मंदिर के गिराए जाने के बाद अयोध्या में फिर से 492 साल बाद राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे कई लोगों को वीडियो लंबी हो जाने की वजह से बोरिंग भी लगी होगी, लेकिन दोस्तों मेरा सिर्फ वीडियो में आपको इन्फॉर्म करने का मेन मोटिव ये था कि राम मंदिर के निर्माण के लिए सिर्फ 2-4 दिन या साल भर का संघर्ष नहीं था बल्कि लगभग 500 वर्षों तक इसका संघर्ष जारी था। कई जाबाजों ने तो अपनी जान भी दी लेकिन राम मंदिर का निर्माण नहीं देख पाए और एक आप और हम हैं जो खुश किस्मत है कि हमारी जनरेशन में राम मंदिर का निर्माण होता हुआ देख पा रहे हैं। दोस्तों इस भव्य राम मंदिर के निर्माण की पूरी प्रक्रिया और इसकी खास विशेषताएं आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और राम मंदिर के इतिहास के बारे में बनी हुई ये सच्चाई की वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में भी जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।